पुरी डेलांग तहसिलदार निवेदिता पर्णा नारे मामला रुजु हो डेलांग तहसिलदार सहित चारिजण नारे मामला रुजु कर जेनापुर गांव सुस्मिता महांती को दुर्व्यवहार अभियोग मामलें यह एतला दायर कर अतिरिक्त तहसिलदार रंजन नायक रेवेन्यू सुपरभाइजर मिश्र विरोध में मामला रुजु हो दफा 506, 509, 34 मामला रुजु कर पुलिस दुर्व्यवहार नहीं डेलांग थाना अभियोग करते सुस्मिता मार्च 4 तारीख में तहसिल कार्यालय दुर्व्यवहार शिकार होते सुस्मिता तहसिलदार दुर्व्यवहार करीडियोटी से भाइराल होता तो आपने देखिपु एक्सक्लूसिव कॉपी जे प्रकृतर डेलांग तहसिलदार सहित तो चारिजण नाँ मामला रुजु कर जेनापुर गाँव सुस्मिता महांती को दुर्व्यवहार अभियोग आमलें बर्तमान एतला दायर कर अतिरिक्त तहसिलदार रंजन नायक रेवेन्यू सुपरभाइजर मिश्र विरोध में मामला रुजु कर दफा लगी 506, 509 और 34 दुर्व्यवहार नहीं डेलांग थाना अभियोग करते जी अभियोगकारिणी सुस्मिता रही मार्च 4 तारीख में तहसिल कार्यालय से दुर्व्यवहार शिकार होता अभियोग तहसिलदार दुर्व्यवहार करुवर वीडियो से भाइराल होता तेज संपर्क में अधिक अपडेट में आम पूरी प्रतिनिधि कालुचरण साहू जोड़े सारी कालुचरण जब देखाजे से भिडटी भाइराल होता और चर्चा होता जे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराऊँ बर्तमान एत दिन पर मामला मध्य दायर कराई तो चाप बढ़ कार्यानुष्ठान निश्चित भाव कमलाकांत देखो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अर्थात तहसिल कार्यालय मो सरकार नियम लगी मो सरकार गोटे राज्य सरकार गोटे बृहत योजना बोली राज्य सरकार प्रचार करता मो सरकार वास्तव में साधारण लोकटे अभियोग नहीं कि तहसिल कार्यालय पहुंचे उत्तम व्यवहार करने गोटे प्रथम कर्तव्य कितु खोद जो तहसिलदार निवेदिता पोडा डेलांग तहसिलदार निवेदिता पोडा संपुक्त महिला अर्थात जेनापुर जो सुस्मिता महांती अच्छा से एक जमीजमा बिवाद को नहीं तहसिल कार्यालय बारंबार भेटुते कि तहसिलदार निवेदिता पोडा दुर्व्यवहार करते अभियोग देखा जा तमाम घटना देखा जा प्रथम 24 जनवरी 2022 तारीख में सुस्मिता महांती यही जमीजमा बिवाद को नहीं तहसिलदार को भेटी से तहसिलदार दुर्व्यवहार करते सेठा कर्मचारी मैंने दुर्व्यवहार करते धमक देते मारिदेवार टा पैसा मागि अभियोग होता तो एनेक से डेलांग थाना अभियोग करते 24 जनवरी 2022 परवर्त समय पुणी मार्च मस 4 तारीख दिन निवेदिता पड़ा पाखक सुस्मिता महांती जाते सामान अभियोग नहीं कि समस्या कहीं समाधान लानी जमीजमा बिवाद कहीं तुटी पारानी से निवेदिता पड़ा संपुक्त महिला सुस्मिता महांती को दुर्व्यवहार करते अशालीन कथ कहते नॉनसेंस गेट आउट करके अशालीन कथ कही तहसिल कार्यालय भितर बाहर करदे एने की सुस्मिता महांती डेलांग थाना अभियोग करते न्याय न पाइबा पर्यंत से धारण उठे ना बोली एकाधिक दिन धरिक तहसिल कार्यालय धारण बसले जो भिडियो पूरा सारा राज्य में चर्चार विषय पड़ता जड़े उच्च शिक्षिता जड़े तहसिलदार किभली भाव साधारण लोकटी को साधारण महिला टी किभली महिला व्यवहार करे साधारण लोके प्रश्न उठाई जिते बार सुस्मिता महांती न्याय पर एकाधिक दिन धरिक तहसिल कार्यालय डेलांग तहसिल कार्यालय धारण बसी प्रशासनिक जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मैंने पहुंचे बुझासुझा करते न्याय देवाई प्रतिश्रुति देते कि सब प्रतिश्रुति पानी गाल पलटिगला शेष में न्याय पाइले थानू न्याय पाइले प्रशासनिक अधिकारी ठीक शेष में बाध्य मान्यवर हाइकोर्ट हाइकोर्ट में मामला रुजु करने हाईकोर्ट द्वारस्थ हाँपी तापर हाइकोर्ट द्वारस्थ हेपर हाइकोर्ट अर्डर आसवापर डेलांग थाना पुलिस 13 जुलाई 2022 गोटे मामला रुजु कर जो मामला कि चारिजण नाँ तहसिलदार समेत चारिजण तहसिलदार निवेदिता पड़ा से जे देखा जा आडिशनाल तहसिलदार जी रही से रंजन नायक हेड क्लर्क जी अच्छा कार्तिक सेठी ताप रेवेन्यू सुपरभाइजर जी अच्छा मिश्र बाबू चारिजण नाँ संगीन मामला रुजुला हत्या धमक मारिदेवार धमक टा मागार धमक असहायन व्यवहार करवा दुर्व्यवहार धमक जमीक दफा देखा जा 509, 506, 34 पखापाखि तीनोटी आईपीएस संगीन दफा लगी चारिजण अधिकारी विरुद्ध में बड़ कथा हो संपुक्त जड़े महिला तहसिलदार हो जड़े साधारण महिला तहसिल महिला व्यक्ति अभियोग नहीं कि जाकर असहायन व्यवहार कर दुर्व्यवहार करसहायन भाषा कहते ए वीडियो सामने वायरल होता तो या गोटे चर्चा एवं जिले में मो सरकार लागू होता विभाग में यह
खामखियाल व्यवहार केमिति करि पारछथि संपुक्त तहसीलदार तो ए घटना जते बामे तहसीलदार को प्रतिक्रिया पाइ बद्य अभिजोग पत्र पाइबा पर डेलांग आईआईसी अनिल कुमार महांती को प्रतिक्रिया सुनिबा पर अनिल कुमार महांती एया कहिछथि कि अभिजोग पर हाईकोर्ट को निर्देश पर मामला रुजु कलु कि संपुक्त तहसीलदार को आमे जोगाजोग करथले बद्य वर्तमान त जोगाजोग होइ पाडै हो त आगामी समय जोगाजोग हुए निश्चित भाबरे आमे जानिबा वास्तव तहसीलदार को एने प्रतिक्रिया कोन रहछि।